please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 11 विधायकों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने सभी आरोपियों का नाम कॉलम नंबर 11 में डाला है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अजीत सिंह। लखनऊ से खबर, जहां यूपी सरकार ने 15 अगस्त को राज्य के सभी मदरसों में तिरंगा फहराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना और भारत माता की जय के नारे भी अनिवार्य कर दिए हैं। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ये निर्देश जारी किए हैं। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, आदेश देना और इसका पालन करना, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल प्रीति, पिछले साल भी यूपी सरकार ने एक आदेश किया था कि मदरसों में तिरंगा फहराया जाएगा और उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, लेकिन इस बार का जो आदेश जारी हुआ उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हटा दी गई है। अलग से एक आदेश जारी किया गया है कि तिरंगा फहराना होगा सभी को 15 अगस्त को 8 बजे समय उसका मुकर्र किया गया और बाकायदा भारत माता की जय लगाना होगा। तो एक तरीके से कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो मदरसों में जो राष्ट्रगान को लेकर तिरंगे को लेकर वो काफी गंभीर दिख रही है और एक आदेश लक्ष्मी नारायण चौधरी जो उत्तर प्रदेश सरकार के संख्यक मदरसा मंत्री हैं उन्होंने आदेश जारी किया, सभी मदरसा के जो प्रबंधक हैं जो वो अधिकारी हैं उनको उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। तो देखना ये होगा कि कितना अमल में ले आ पाती है सरकार, कहां कहां तिरंगा फहराया जाता है, भारत माता जय के नारे लगाए जाते हैं। अभी बहुत कुछ देखना बाकी होगा, क्या सरकार फिर ये आदेश कागजों पर ही कर पाती है या फिर उसे लागू भी करा पाती है। बिल्कुल, शुक्रिया। जयपुर के गजानंद शर्मा को 36 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले गजानंद को पाकिस्तान जेल से रिहा किया गया। अब गजानंद शर्मा वाघा बॉर्डर के जरिए अपने देश में दाखिल होंगे। गजानंद 36 साल पहले जयपुर से लापता हो गए थे। गजानंद की पत्नी उनकी रिहाई के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से मिली थी, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार से बातचीत के बाद वीके सिंह ने उन्हें गजानंद की रिहाई का भरोसा दिलाया था। अप्रैल महीने में गजानंद की पहचान के दस्तावेज जयपुर पुलिस के पास पहुंचे, तब पहली बार पता चला कि गजानंद जयपुर के नाहरगढ़ के रहने वाले हैं। हालांकि गजानंद कैसे लापता हुए और कैसे पाकिस्तान पहुंचे इसके बारे में पता नहीं चल पाया। तेलंगाना के गौशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने बकरीद के मौके पर गायों की रक्षा करने का दावा करते हुए मरने और मारने की धमकी दे डाली। इससे पहले उन्होंने गोरक्षा के मुद्दे पर पार्टी का समर्थन न मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा भी दे दिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर गायों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की धमकी दी। मारेंगे या मरेंगे ये हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन गाय को मरने नहीं देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इस वीडियो में टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देने की वजह भी बताई। हमारे लिए पहले धर्म, हमारे लिए पहले हमारी गाय, बाद में हमारे लिए राजनीति। विधायक राजा सिंह ने धमकाने वाले अंदाज में दावा किया कि वो अपना पूरा समय गायों की सेवा। तेलंगाना के गौशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने बकरीद के मौके पर गायों की रक्षा करने का दावा करते हुए मरने और मारने की धमकी दे डाली। इससे पहले उन्होंने गोरक्षा के मुद्दे पर पार्टी का समर्थन न मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा भी दे दिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर गायों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की धमकी दी। मारेंगे या मरेंगे ये हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन गाय को मरने नहीं देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इस वीडियो में टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देने की वजह भी बताई। हमारे लिए पहले धर्म, हमारे लिए पहले हमारी गाय, बाद में हमारे लिए राजनीति। विधायक राजा सिंह ने धमकाने वाले अंदाज में दावा किया कि वो अपना पूरा समय गायों की सेवा और गोरक्षा के लिए समर्पित करेंगे। लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के निधन के बाद सियासी गलियारों में शोक पसर गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी सियासी दलों के नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ चटर्जी के निधन पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि पूर्व सांसद और स्पीकर सोमनाथ चटर्जी भारतीय राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने हमारे संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध बनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके निधन को देश के लिए बड़ा नुकसान बताया और ट्वीट किया कि बंगाल और पूरे भारत ने एक संवेदनशील लोक सेवक खो दिया है। वहीं लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी सोमनाथ चटर्जी को कुर्सी का मान बढ़ाने वाला बताते हुए भावुक हो गई। एज ए स्पीकर मेरे पे काम करते समय याद करती हूँ मैं उनको, एक बड़े भाई के रूप में गाइड करते थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने भी सोमनाथ चटर्जी को श्रद्धांजलि दी। जिन्हें 89 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।
जिनके निधन की जानकारी मिलते ही सीएम ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची और सोमनाथ चटर्जी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम श्रद्धांजलि देने की घोषणा की। राज्य सरकार हाईएस्ट रेस्पेक्ट गन सैल्यूट दिए तार शेष विदाई जाना असेंबली थे। करीब 35 साल तक सांसद रहे सोमनाथ चटर्जी 1968 में सीपीएम से जुड़े थे और 1971 में वो पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद वो लगातार लोकसभा का चुनाव जीते रहे और 2004 में 10वीं बार सांसद बने। सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 तक लोकसभा के स्पीकर रहे थे। 1996 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया था। सोमनाथ चटर्जी के निधन की जानकारी मिलने पर उनकी पत्नी और परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंचे। राजकीय सम्मान के बाद उनका पार्थिव शरीर एसएसकेएम अस्पताल को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि सोमनाथ चटर्जी ने अपने जीते जी रिसर्च के लिए अपना शरीर अस्पताल को दान देने की घोषणा कर दी थी। पटना के एक शेल्टर होम में दो महिलाओं की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर भी सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी पटना के इस मामले को मुजफ्फरपुर रेप कांड से जोड़ते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने लिखा, पटना के शेल्टर होम के जिन दो लड़कियों की अकस्मात मौत हुई है, क्या वो मुजफ्फरपुर से यहाँ लाई गई थी? क्या ये संयोग है कि दोनों लड़कियाँ वयस्क थी, सब जानती थी इसलिए मार दिया गया? पुलिस को सूचना दिए बिना उनका अंतिम संस्कार क्यों किया जा रहा था? नीतीश जी ये कौन करवा रहा है? तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद आरजेडी के कुछ नेताओं ने इस मामले की भी जांच सीबीआई से करवाने की मांग रख दी। सीबीआई को पूरे बिहार में जितने भी इस तरीका का संस्थाएं हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। जब यह जांच होगी तभी दूध का दूध और पानी के पानी होगा। आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए लालू यादव परिवार के धुर विरोधी और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भी नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। नेता पदाधिकारी सफेद पोश, एवरीवन करप्ट। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार में राज्य के दूसरे शेल्टर होम्स की भी हालत खराब होने का दावा किया और उनकी भी सुप्रीम कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में जांच करवाने की मांग की। मुजफ्फरपुर रेप कांड के बाद अब पटना शेल्टर होम्स में दो महिलाओं की मौत के बहाने विपक्ष का हमला। जेल रहे सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उनकी पार्टी जेडीयू उतरी और उसके नेताओं ने बिना वक्त गवाए आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का सामना कर रहे तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव भी तो लालू यादव के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले वो इस्तीफा देना, जो व्यक्ति चार्ज शीटेड हो वो पहले इस्तीफा दे। इस मामले पर सियासी बवाल के बीच पुलिस ने पटना शेल्टर होम के संचालक चिरंतन कुमार और उसकी कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल को गिरफ्तार कर लिया। भारत में बुजुर्गों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, ये जानकारी केंद्र सरकार की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में पेश किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में 60 की उम्र वाले बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़कर 34 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी 2050 तक देश की कुल आबादी का करीब 20% हिस्सा 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का होगा। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के आंकड़ों पर यूएन और हेल्प एज इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में मुहर लगाई है। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से साल 2050 के बीच भारत की जनसंख्या 56% तक बढ़ेगी, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद इस दौरान 326% तक बढ़ने की संभावना जताई गई। UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल के लोगों में विधवा और दूसरों पर आश्रित महिलाओं की तादाद ज्यादा होगी। वहीं हेल्पएज इंडिया के मुताबिक 2050 तक बुजुर्गों की आबादी वाले 32 करोड़ तक पहुंच जाएगी। दरभंगा में 6 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया। बिहार के दरभंगा में वन विभाग की एक टीम ने 6 फीट लंबे एक अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश की सीमा के पास उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर में पुलिस ने जंगल में छापेमारी कर मुठभेड़ में 50,000 के एक इनामी डकैत को गिरफ्तार करने का दावा किया। ताइवान में एक अस्पताल में लगी आग में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेल में बंद 30 भारतीय कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया, जिसमें 27 मछुआरे भी हैं। यूपी के इलाहाबाद में रेलवे के एक अस्पताल में एक महिला के गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने एक वार्ड बॉय समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच प्योंगयांग में सितंबर में एक अहम बैठक होगी। जयपुर में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर बीजेपी उपाध्यक्ष ओम माथुर के एक बयान से एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि उन्होंने किसी भी सूरत में देश को धर्मशाला नहीं बनने देने की दलील दी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा सत्ता मिलने पर एनआरसी को पूरे देश में लागू करने का दावा कर दिया। हम पूरे देश भर में सभी राज्यों से चर्चा करके
एनआरसी लागू करेंगे। इससे पहले मेरठ में उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देने का दावा किया। हालांकि उन्होंने गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का पूरा मौका देने का भी भरोसा दिया। जिस पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया और उस पर दोबारा सत्ता पाने के लिए लोगों को बरगलाने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने तो एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी की नियत पर ही सवाल उठा दिए। ना उन्हें किसी को भगाना है, ना किसी को रखना है, अपनी तरफ मुख्यमंत्री से आसाम वाले से पहले पूछने वो क्या चाहता है। वहीं आरजेडी ने भी एनआरसी की लिस्ट में जगह नहीं पाने वालों को घुसपैठिया कहने पर अमित शाह को आड़े हाथों लिया। 40 लाख में से 10 लोगों की नागरिकता कल को अगर से धोती है, माफी मांगोगे आप? क्या आपको हमने घुसपैठिया कहा? हालांकि हर मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी कुछ कमियों को दूर करने के बाद एनआरसी लागू करने की वकालत करती दिखी। यूपी के मेरठ में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमित शाह ने 2019 के चुनाव में राज्य की 74 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। अमित शाह के इस दावे को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई, क्योंकि बीजेपी 2014 में अपने दम पर 71 सीटें हासिल कर पाई थी और इस बार तो विरोधी महागठबंधन के बूते यूपी में बीजेपी को रोकने का दावा कर रहे हैं। जिस दिन गठबंधन बन जाएगा अमित शाह जी, 10 के नीचे आ जाओगे। 40 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करता हूँ, जर्रा जर्रा उत्तर प्रदेश का जानता हूँ। लगे हाथ बीएसपी ने भी हाल के उपचुनावों में गठबंधन को मिली जीत के बहाने बीजेपी को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई। और यही दावा हम देख रहे हैं, अब वो उन्होंने किया था जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे, वहाँ उनका सफाया हो गया। 2014 के लोकसभा चुनावों में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 73 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। लेकिन हाल में यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में महागठबंधन के साथ खड़ी दिख रही एनसीपी और आरजेडी ने अमित शाह के दावे को नकार दिया। साथ ही दल बीजेपी अध्यक्ष को नसीहत देने से भी नहीं चुके। दंभ और अहंकार ने सभ्यताओं को खत्म कर दिया, व्यक्ति क्या चीज, मुगालते में वो रहे। पार्टी अध्यक्ष पर विरोधियों का हमला तेज होता देख बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं लगाई। इस गठबंधन से जो अनैतिक गठबंधन होगा, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा, केवल नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, तो इसे घबराने की आवश्यकता नहीं। लगे हाथ बीजेपी ने दावा किया कि केंद्र और योगी सरकार के काम के बूते 2019 में एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। पटना के शेल्टर होम में 2 महिलाओं की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद गिरफ्तार हुई कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल के कई नेताओं से भी अच्छे संबंध होने के आरोप लगे। इस बीच वायरल हुई कुछ तस्वीरों में आरोपी मनीषा दयाल के साथ दिखने वाले नेताओं ने अपनी सफाई दी, क्योंकि इस मामले को लेकर अब तक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे राजनीतिक पार्टियों के कई नेता बैकफुट पर चले गए, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू विधायक श्याम रजक भी शामिल हैं, जो शेल्टर होम की कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल के साथ 2 तस्वीरों में दिखे। लोग हमारे साथ प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, लोग फोटो खिंचाते हैं, और वो क्या करता है उससे मेरा क्या सरोकार। इसके बाद नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन शर्मा की मनीषा दयाल के साथ एक तस्वीर सामने आई। इसके अलावा बीजेपी कोटे से मंत्री विनोद नारायण झा भी मनीषा दयाल के साथ नजर आए, जिसके बाद विनोद नारायण झा को भी सफाई देनी पड़ी। जहाँ जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो कोई फोटो खिंचा ले, को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये सावधानी की जरूरत है। बीजेपी नेता ने शेल्टर होम की कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल से सीधी जान पहचान से भी इनकार कर दिया। हालांकि वायरल हुई तस्वीरों का सिलसिला सिर्फ जेडीयू या फिर बीजेपी नेताओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पटना शेल्टर होम मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे आरजेडी नेताओं की भी बारी आई, जिसमें इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुके आरजेडी नेता रामचंद्र राम भी एक तस्वीर में आरोपी मनीषा दयाल के साथ दिखे। इस तस्वीर में मीडिया के सामने कई मुद्दों पर आरजेडी का पक्ष रखने वाले पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी शामिल थे। चेन्नई में करुणा निधि को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे उनके बड़े बेटे एमके अलागिरी ने पार्टी पर अपनी दावेदारी ठोक दी, जिसके बाद डीएमके के नेतृत्व को लेकर अलागिरी और उनके छोटे भाई एमके स्टालिन के बीच संघर्ष की चर्चा तेज हो गई। हालांकि करुणा निधि का निधन सिर्फ हफ्ते भर पहले हुआ है। अलागिरी अपने परिवार के साथ मरीना बीच पहुंचे और वहां करुणा निधि की समाधि पर फूल चढ़ाया, लेकिन साथ ही अपने सियासी इरादे भी जाहिर कर दिए।
करुणानिधि के बाद अहम फैसले लेने के लिए मंगलवार को पार्टी की वर्किंग काउंसिल की बैठक है। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे एम के स्टालिन को पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने की चर्चा है, लेकिन अब बड़े भाई अलागिरी की दावेदारी से पार्टी में हड़कंप मच गया। हालांकि पार्टी ने सभी प्रवक्ताओं को इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने की मनाही कर दी, लेकिन जानकारों के मुताबिक अलागिरी की बगावत से पार्टी के टूटने की आशंका है। अलागिरी को 2014 में पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो पार्टी और राजनीति से दूर रहे और इस दौरान पार्टी की कमान मोटे तौर पर उनके छोटे भाई स्टालिन के ही हाथ रही।